Hello friends, a very welcome to our MNS Prep channel dedicated to MNS aspirants. Today in this video, I am going to provide you some important MCQ related to polymers, and this is one of the most important chapter for your MNS. So be prepared with this chapter. Okay. So let's get start. Question number first is: Bakelite is the condensation polymer of. जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का एनसीआर में दे रखा है वो आपको सारा रिवाइज करना है अच्छे से ठीक है इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके एम एग्जाम में पूछा जाता है सो क्वेश्चन इज बेकेलाइट एक कंडेंसेशन पॉलीमर है दिस इज इंपॉर्टेंट कि बेकेलाइट क्या है एक कंडेंसेशन पॉलीमर है पॉलीमर आपको दो टाइप के मिलेंगे एडिशनल एंड कंडेंसेशन सो जो बेकेलाइट है ये इनके जो को पॉलीमर है वो कौन कौन से हैं तो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी दैट इज फिनॉल एंड फॉर्मल डिहाइड फेनॉल एंड फॉर्मल डिहाइड इज कंडेंसेशन इज द को ये दोनों को हैं बैकेलाइट के नेक्स्ट इज क्वेश्चन पॉलीमर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज बेसिकली द कंडेंसेशन पॉलीमर बाकी जो एग्जाम्पल हैं वो एडिशनल पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं इनफेक्ट नाइलॉन सिक्स सिक्स इज द कंडेंसेशन पॉलीमर एंड पॉलीस्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन यहां पर दे रखा है पॉली एक्लाइल ओके पॉली एक्लाइट पॉली एक्लाइट ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं एंड इज नॉट एन डेकर ऑफ एडिशन पॉलीमर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री ब्यूना एस इज ऑपटेन बाय द को पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटा डाइन एंड स्टाइरिन सो इसका करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज स्टाइरिन ठीक है ब्यूना एस एस से लर्न कर लो ये को पॉलीमर्स है किसके ब्यूटा डाइन एंड स्टाइरिन के सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ये एक सिंथेटिक रबर है ब्यूना एस एंड ब्यूना एन दोनों ही को सॉरी कोपोलीमराइजेशन से बनते हैं ओके नेक्स्ट इज इज अ पॉलीमर ऑफ मेलामाइन एंड तो मेलमेक जो है वो एक पॉलीमर है मेलेमाइन एंड इनमें से किसका इसका जो करेक्ट आंसर है फॉर्मल फॉर्मल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सो एंड इन दोनों से मिलकर बनता है मेलेमेक ओके okay? और ये एक एडिशनल पॉलीमर है क्योंकि यहाँ पर मेलेमाइन और फॉर्मल डिहाइड का एडिशन हो रहा है जिसमें कि आपके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन

टिन भी बोलते हैं टायरिन बनता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स टाइर इज द पॉलीमर ऑफ है ना अभी बताया इसकी जो मनोमरिक यूनिट है वो कौन सी है टेरिपेथैलिक एसिड एंड इथालीन ग्लाइकोल सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टेरिपेथालिक एसिड एंड इथलिन ग्लाइकोल नेक्स्ट इज कैप्रोलैक्टम कैप्रोलैक्टम इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन सिक्स ज इम्पॉर्टेंट नाइलन सिक्स के इंटरमीडिएट में बनता है कैप्रोलक्टम सो विच ऑफ दिंग प्रोड्यूस कैप्रोलक्टम सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दट इज साइक्लोहेक्सिन आपको स्ट्रक्चर एंड यू नो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो याद नहीं करना है आपको याद करना है क्लासिफिकेशन जो कि इम्पोर्टेंट है एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ये जो इनके यूजेस जो है पॉलीमर्स के वो भी इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आपसे ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट द मोनोमर यूनिट ऑफ पी वी सी इज मोनोमेरिक यूनिट कौन सी है पी वी सी की ऑप्शन आर विनाइल क्लोराइड

सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पिथालिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पिथालिक एसिड क्लिप्टल जो है एक पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पिथालिक एसिड का सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके ये पॉलीएस्टर टाइप पॉलीमर है तो आप लर्न कर सकते हो ये एक पॉलीएस्टर पॉलीमर है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन नाइलॉन सिक्स सिक्स इज ऑपटेन फ्रॉम नाइलोन सिक्स सिक्स इज ऑप्टिन फॉर्म करेक्ट आंसर इज हेक्सा मिथाइलिन डायान एंड एडिपिक एसिड ये आपको रटा हुआ होना चाहिए ये सारे इम्पॉर्टेंट है मोनोमेरिक यूनिट्स जो कि पॉलीमर वाले चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है मोनोमेरिक यूनिट आपको सारे पॉलीमर्स की पता होने चाहिए वेदर इट इज मेड फ्रॉम मोनोमेरिक सिंगल मोनोमर और टू और थ्री मोनोमेरिक यूनिट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ दिंग इज अचुरल पॉलीमर इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है ऑप्शंस आर बेकेलाइट वी पीवीसी या फिर नाइलॉन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेचुरल पॉलीमर इनमें से कौन सा है ये पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलोज सेलोज एंड प्रोटीन सिल्क ये सारे एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर्स के ओके okay? वेयर इज बैकेलाइट जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है पीवीसी विनाइल क्लोराइड ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है नाइलॉन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 विच वन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक पॉलीमर है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नियोप्रिन नियोप्रिन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर ओके न्यूप्रीन का मोनोमेरिक यूनिट इंपॉर्टेंट है लर्न रखना न्यूप्रीन का जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज क्लोरोप्रीन ओके क्लोरोप्रीन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नेचुरल रबर का सो क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर पॉलीआइसोप्रीन पॉलीआइसोप्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रबर जो कि किससे बनता है आईसोप्रीन से ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर द इंटर पार्टिकल बिटवीन द लीनियर चेन्स इन द नाइन सिक्स आर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज है नाइलॉन सिक्स के बीच में वो किसके हैं करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड देर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइलॉन सिक्स इंटर पार्टिकल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर यस आप यहां से लर्न कर सकते हो कि नाइलॉन सिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है क्योंकि नाइलॉन सिक्स जो बनता है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर प्रोसेस से बनता है जिसमें कंडेंसेशन में क्या होता है माइनस एच टू मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा ही होगा कंडेंसेशन में ठीक है ड्यूरिंग कंडेंसेशन सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इसके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर सो नाइलॉन कंडेंस अभी हमने पढ़ा कंडेंसेशन पॉलीमर है ग्लिप्टल सॉरी ग्लिप्टल एंड डेक्रॉन बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पॉली टेट्राफ्लोरोन इसका जो पूरा नाम है दट इज पॉली टेट्रारो इथाइलीन

मैथ इज एन एग्जाम्पल और द मोनोमरिक यूनिट ऑफ फ्लैक्सी ग्लासेस इसके यूजेस क्या हैं इसके यूज़ेस हैं एक्वेरियम का फॉर्मेशन करना एक्वेरियम बनाने में व्यूइंग द पोर्ट्स इन दरन्स ऑटोमोबाइल्स लेंसेज स्पेक्टेटर्स प्रोटेक्शन इन स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट विंडोज ठीक है ये सारे यूजेस हैं फ्लैक्सी ग्लासेस के नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोविंग कैन बी रीमेटल्ड Time and again तो उसका एग्जाम्पल है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग आपको लर्न करना है एनसीआरटी से उसकी एग्जाम्पल्स भी लर्न करनी है सो बिकॉज ये न हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करा नहीं सकते क्योंकि अभी जो है नियर बाय आपका दिसंबर या फिर आ, स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा तो इट इज़ लेक्स टू इम्पॉसिबल कि सारा मैं अकेले पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँ फिर है ना तो इसलिए मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ ताकि उसमें से जो भी मेरे को टॉपिक समझ में आता है कि इसके बीच में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो आपको एन से पढ़ना होता है तो एन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके साइंस सेक्शन में स्पेशली अगर आप स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में तो उसे मत छोड़ना बिल्कुल भी सो so, इनमें से आ, कौन सी ऐसी पॉलीमर है जो कि रीमेटल्ड हो जाती है रीमोल्ड हो जाती है टाइम एंड अगेन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज बिना किसी चेंज के सो so, क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का दैट इज बी दैट इज पी वी सी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड ये जो चेंज है वो इन रिवर्सिबल चेंज है ठीक बॉन्ड uh, थर्मोसेटिंग्स में क्या होता है हीट uh, करते हैं और हीट करने के बाद वो रिमोल्ड अगेन नहीं हो सकता लेकिन इसमें क्या है टाइम एंड अगेन बार बार इसको हम रिमोल्ड कर सकते हैं लेकिन थर्मोसेटिंग को एक बार हीट करेगी और हीट करने के बाद अगर आप सेट कर दोगे दोबारा वो रीसेट नहीं होगी तो ये थर्मो सेटिंग है तो सेटिंग से आप याद रखो सेटिंग से ठीक है कैन नॉट बी रिमोल्ड अगेन क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स इनमें से कौन सा कॉमन एग्जाम्पल है फाइबर्स का ऑप्शन आर बेकेलाइट ब्यूनाइस नाइलॉन सिक्स सिक्स या पीवीसी. सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर नाइलॉन सिक्स सिक्स ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर नाइलॉन सिक्स सिक्स इट इज इज एन एग्जांपल ऑफ फाइबर्स ब्यूनाइस किसका है ब्यूनाइस आपके रबर के एग्जांपल है है ना बेकेलाइट एक कंडेंसेशन पॉलीमर है एंड पी एक लीनियर uh, पॉलीमर है एडिशन पॉलीमर

और बहुत ही ज्यादा वीक है ये तो इसमें ये प्रेजेंट होगा वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स जिसे हम वीक वाटर वॉल फोर्स बोलते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉलोविंग इज एन एग्जांपल ऑफ को पॉलिमर विच ऑफ द फॉलोविंग इज एन एग्जांपल ऑफ को पॉलिमर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज ब्लूना एस ब्यूना एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ को पॉलिमर ब्यूना एस एंड ब्यूना एन बोथ आर दी एग्जाम्पल ऑफ को पॉलीमर आई प्रोवाइड यू मोर वन मोर एग्जाम्पल ब्यूना एस ब्यूना एन एंड नियोप्रीन ये तीनों आपकी एग्जाम्पल है को पॉलीमर्स की ठीक है ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोविंग रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ होमोपोलीमर एडिशन पॉलीमर आपके दो टाइप के हो जाते हैं जो एडिशन पॉलीमर है अगर हम बोले एडिशन पॉलीमर की बात करें तो ये दो टाइप के हैं एक तो होमोपोलीमर है एंड वन इज को पॉलीमर तो होमोपोलीमर जो सिंगल सेम मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनते हैं और को पॉलीमर हो गए जो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनते हैं ठीक है जो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनते हैं दैट इज नोन एज को पॉलीमर तो इनमें से कौन सा होमोपॉलीमर के एग्जांपल है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए पीएमएमए मिथाइल पॉलीमिथाइल मेथक मे एक्रिलेट ठीक है जो कि प्लेक्सी ग्लासेस में के फॉर्मेशन में यूज होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ पीसीटीएफईआर जो स्टार्टिंग मटेरियल है स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ पीसीटीएफ तो पीसीटीएफ की जो फुल फॉर्म है दैट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्ट्राइल पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्लोनाइट्राइल ये है तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है इसके लिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑलरेडी हाईलाइटेड है दैट इज ऑप्शन ए मोनोक्लोरो इथाइलिन। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज एनसीआरटी में ऐसे ऐसे जो टॉपिक है वो कमी है जो आपके फुल फॉर्म के फॉर्म में जो दे रखे हैं शॉर्ट टर्म्स में एब्रिवेशन के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पॉली इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो पॉली है ये एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज नाइलॉन सिक्स नाइलॉन सिक्स के फॉर्मेशन के दौरान कैप्रोल्ट एक इंटरमीडिएट बनता है तो ये इंपॉर्टेंट है नाइलॉन सिक्स के फॉर्मेशन के दौरान बनता है ओके कैप्रोलैक्टम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स जो आर्टिफिशियल सिल्क है ये क्या है द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल्क इज एक्चुअली रायोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज कैमिकल नेम ऑफ मेला नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एम एन एस पर्पज बट यू हैव टू रिमेम्बर जस्ट एक बार गोथ्रू कर लो जो केमिकल नेम है मेलामाइन का दट इज ऑप्शन सी टू फोर सिक्स ट्राई अमाइनो वन थ्री फाइव ट्राई अजाइन

और इससे रिलेटेड आ सकते हैं जैसे आपने पढ़ा अभी कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल्स नाइलॉन सिक्स नाइलॉन सिक्स सिक्स है ना को पॉलीमर्स के एग्जाम्पल ब्यूनाज ब्यूना नियोप्रीन एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल में होमोपोलीमर्स में पीवीसी पॉलीथीन तो ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछ ले जाएंगे नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन नेचुरल सिल्क इज नेचुरल सिल्क इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड जो कि एक प्रोटीन फाइबर है तो प्रोटीन फाइबर है तो पॉलीपेप्टाइड ऑफ क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर ओके सो पॉलीपेप्टाइड पोलीपैप्ट एक नेचुरल सिल्क है आर्टिफिशियल सिल्क क्या है रॉन अभी हमने पढ़ा आर्टिफिशियल सिल्क इज रायन क्वेश्चन नंबर थर्टी द केमिकल नेम ऑफ आइसोप्रीन इज जो केमिकल नेम है आइसोप्रीन का वो क्या है सो द केमिकल नेम ऑफ आइसोप्रीन इज ऑप्शन ए Uh, इनमें से कौन सा है सो so, जो सब, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पॉलीमर होगा वो चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन शो करेगा तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी पॉलीप्राइलिन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर पॉलीथीन होता तब भी वो करेक्ट आंसर होता बिकॉज पॉलीथीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ नॉट अ पॉलिएमाइड इनमें से कौन सा एक पॉलिएमाइड नहीं है ऑप्शन आर लेदर नेचुरल रबर वूल या फिर नाइलॉन सिक्सिक्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी नेचुरल रबर

चार्ल्स गुड ईयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर है ये काफ़ी फेमस है जिसमें आपको पता चलेगा कि जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर है वो आर्टिफिशियल रबर में हम यूज करते हैं वल्कनाइजेशन का और इसमें हम सर्फर का क्लोस क्रॉसलिंग इंटर इंटरमीडिएट ऐड कर देते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था तो चार्ल्स गुड ईयर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ नॉट अ बायोपॉलीमर इनमें से बायोपॉलीमर के एग्जाम्पल कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है इसमें बायोपॉलीमर के एग्जाम्पल दैट इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी रबर रबर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपॉलीमर स्टार्च जो है नेचुरल पॉलीमर है इसलिए उसे हम बायोपोलीमर बोलते हैं बायो मतलब लाइफ जिसमें लाइफ है तो वो नेचुरल है है ना तो जैसे स्टार्च हो गया प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड ये सब बायो पॉलीमर है रबर इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायो पॉलीमर नेक्स्ट इज एब्रिवेशन ऑफ पी डी आई वॉट इज पी डी आई रेफर्स टू पी डी आई जो है वो रेशियो है बेसिकली जो पॉलीमर्स का जो वेट है एंड उसके रेशियो के रिलेटेड ये एक टर्म दिया गया है आपके एन सी आर टी में ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी पॉलीडेस्पर्सिटी इंडेक्स ऑफ पॉलीमर ये नेचुरल रबर के लिए जो नेचुरल पॉलीमर है उनके लिए बस याद रखो जो नेचुरल पॉलीमर uh, होते हैं उनके लिए ये वन होता है ठीक है ग्लिप्टल आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर है ये या आपको याद रखना है नेक्स्ट इज विच पॉलीमर इज जनरली यूज इन कैरी बैग्स तो इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो कि यूज uh, होता है कैरी बैग्स के अंदर सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी पॉलीइथाइलिन पॉलीइथाइलिन पॉलीमर इज यूज इन कैरी बैग्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पी वी सी एज ऑपटेंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एज ऑपटेंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन वो कैसी होती है नेचरवाइज ये आपसे पूछा है सो so, ये जो होती है वो हार्ड होती है ब्रिटेल होती है एंड ट्रांसपेरेंट होती है

क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच ऑफ आर बायोपॉलीमर विच ऑफ फॉलोइंग आर बायोपॉलीमर सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी लेदर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लेदर इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है बायोपॉलीमर का करेक्ट आंसर इज लेदर क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फिनॉल फॉर्मल डिहाइड पॉलीमर फिनॉल फॉर्मल डिहाइड पॉलीमर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक बाकी एग्जाम्पल जो है वो थर्मोप्लास्टिक के हैं सेलोज एसिटेट इसमें इंपॉर्टेंट है यह आपके एनसीआरटी में भी दे रखा है सो डू रिमेंबर दिस वर्ड थर्मोप्लास्टिक सेल्लोस एसिटेट ओके सो दीज वर फोर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री दैट इज पॉलीमर एंड ये आपके एम एन एस एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है सो एन सी आर टी को एक बार गो थ्रू कर लेना इंपॉर्टेंट है एंड आई प्रोवाइड नोट्स इफ़ यू वॉन्ट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर ऑन टेलीग्राम चैनल खुद के हैंड रिटिन नोट्स हैं एंड आपको आई होप पूरा क्लियर भी हो जाएगा इससे तो इफ़ यू वॉन्ट दिस नोट्स ऑफ दिस पॉलीमर चैप्टर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डू यू नो जॉइन दिस चैनल ऑफ टेलीग्राम बिकॉज वहीं पर मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ सभी को है ना इंडिविजुअली किसी को भी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती बिकॉज उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है तो एक बार एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे सारे इसके जो नोट्स होते हैं दैट इज़ प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम जॉइंट टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एम एन एस प्रेप के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम चैनल ओके एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि जो मॉक टेस्ट है आपको मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है जो कि एक शॉर्ट मॉक सब्जेक्टिव जिसमें आपके फिफ्टी एमसी क्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग की एट द एंड ऑफ द पीडीएफ बेसिकली और ये आपके एग्जाम uh, तक अवेलेबल रहेगा सो यू कैन अवेल दिस मॉक टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि लास्ट टाइम पर आप सारे मॉक टेस्ट फिर इकट्ठे हो जाएंगे तो आप लगा नहीं सकते फिर आपको टाइम टेकिंग भी रहेगा एंड आपको रिविजन करने के लिए भी टाइम चाहिए इसलिए हो सके तो मॉक टेस्ट टाइम से ले लेना ओके मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी अब तक जो दो ही मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड किए हैं वन इज ऑफ साइंस एंड अनदर वन ऑफ जी के ओके इस जो इस बार जो संडे है संडे को दैट इज आपका आपका जीके का नहीं इंग्लिश का मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करूंगी क्योंकि साइंस और जीके का हो गया अब इंग्लिश का मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ओके सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन thank you so much for watching this video and giving your time to our channel and you know supporting our channel as much as possible thank you so much